जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। गाइस, 8 बज गया है। कौन कौन ऑनलाइन है मैसेज कर दीजिए आप लोग। तो देखिए, आपका लाइव टेस्ट स्टार्ट होने वाला ही है। जो भी बच्चे हैं जल्दी से जल्दी ऑनलाइन आ जाएं। वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को प्राप्त हुआ ज़रूर बताएं आप लोग। वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त हुआ तो देखिए, ये सीआरपीएफ पैरामेडिकल स्टाफ एग्ज़ाम 2020 की परीक्षा के लिए डेली लाइव टेस्ट जो आपका होता है रात के 8 बजे, तो ये लाइव टेस्ट ज्वाइन करना ना भूलें। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये लाइव टेस्ट है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही स्पेशल कराने वाला हूँ। जल्दी से सभी बच्चे लाइव आ जाएं, जल्दी से सभी बच्चे लाइव आ जाएं। सभी क्वेश्चन के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं अपना लाइव टेस्ट। आज के सेशन में पहला क्वेश्चन बनता है, भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? तो भूगोल का जो जनक कहते हैं तो दोस्तों वो हो जाएगा हिकेटियस। ओके, और नेक्स्ट है आपका, भूगोल को एक अलग अध्ययन शास्त्र के रूप में स्थापित करने का श्रेय निम्न में से किस विद्वान का है? ये हो जाएगा ऑप्शन ए, इरेटोस्थनीज। नेक्स्ट है, भूगोल के लिए ज्योग्राफिका शब्द का सर्वप्रथम किसने प्रयोग किया? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, इरेटोस्थनीज। अगला है, ज्योग्राफी के शाब्दिक अर्थ के आधार पर भूगोल की परिभाषा की गई है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा, भूगोल वह विज्ञान है जो पृथ्वी के धरातल का अध्ययन करता है। नेक्स्ट है, भूगोल पृथ्वी को केंद्र मानकर अध्ययन करने वाला विज्ञान है, यह किसने कहा था? ऑप्शन सी वारेनियस ने कहा था। अगला है, भूगोल भूतल का अध्ययन है, किसने कहा था? तो गाइज ये कहा था आपका ऑप्शन बी कांट ने। भौगोलिक विचारधाराओं में नवनियतिवाद की विचारधारा का प्रवर्तक कौन है? ऑप्शन बी ग्रिफिथ टेलर। अगला है, वर्तमान भूत की कुंजी है कथन किस विद्वान का है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, जेम्स हट्टन का। अगला है, स्थल रूप संरचना प्रक्रम तथा अवस्था का प्रतिफल होता है, यह किसका कथन है? तो यह कथन हो जाएगा ऑप्शन बी W.M. डेविस का। नेक्स्ट, यदि इतिहास कब का वैज्ञानिक अध्ययन प्रस्तुत करता है तो भूगोल कहाँ का वैज्ञानिक एवं तार्किक अध्ययन है, कथन निम्नलिखित में से किस विद्वान का है? ये हो जाएगा ऑप्शन ए कार्ल साबर। अगला आपका क्वेश्चन है, भू आकृति विज्ञान का जन्मदाता किसे माना जाता है? ऑप्शन बी पेसेल को माना जाता है। अगला है, रुको और जाओ नियतिवाद की विचारधारा के प्रतिपादक कौन है? ऑप्शन डी हो जाएगा, ग्रिफिथ टेलर। अगला है, भूगोल को मानव पारिस्थितिकी के रूप में परिभाषित करने वाला विद्वान कौन है? इसका हो जाएगा ऑप्शन डी H.H. बैरोज। गणितीय भूगोल का प्रारंभकर्ता निम्न में से कौन है? ऑप्शन ए थेल्स। चूंकि मानव पृथ्वी पर निवास करता है अतः पृथ्वी पर निर्भर है, यह किसका कथन है? तो यह कथन हो जाएगा ऑप्शन डी जीन ब्रूंस का। क्षेत्रीय भूगोल रीजनल ज्योग्राफी का पिता निम्न में से किस भूगोलवेत्ता को कहा जाता है? इसका हो जाएगा आंसर ऑप्शन ए कार्ल रिटर को। मानव भूगोल का संस्थापक निम्न में से किसको कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कार्ल रिटर को। और पहले टॉपिक का जो लास्ट क्वेश्चन है, मानव भूगोल अस्थायी पृथ्वी एवं चंचल मानव के पारस्परिक परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है, यह किसका कथन है? ये हो जाएगा ऑप्शन सी कुसैंपुल। ओके, तो चलिए हम लोग अगला टॉपिक जो आपका है अंतरिक्ष ब्रह्मांड। तो हम लोग पूरा का पूरा क्वेश्चन के माध्यम से टॉपिक देखने वाले हैं जिससे आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। आपका अगला टॉपिक जो है आपका ब्रह्मांड, इसमें पहला क्वेश्चन बनता है, सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? तो गाइस, सौर प्रणाली की खोज किसने की, इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। गाइस, क्वेश्चन बनता है,
सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ग्रह कहलाते हैं, या कह सकते हैं प्लैनेट कहलाते हैं। किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटी आकाशीय पिंड को क्या कहते हैं? तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, उपग्रह, मतलब सैटेलाइट कहते हैं। नेक्स्ट है, ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया? तो ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया? ऑप्शन बी, केपलर ने प्रतिपादित किया। सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं? तो गाइस इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 8 ग्रह हैं टोटल। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बनता है, सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का निम्न में से कौन सा क्रम सही है? देखिए सूर्य के सबसे नज़दीक आपका ग्रह है बुध, तो आप बुध से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो सभी ऑप्शन में आपका बुध दिया गया है, तो ऑप्शन है आपका आंसर हो जाएगा। देखिए बुध है, बुध के बाद आता है शुक्र ग्रह, फिर आती पृथ्वी और लास्ट में आता है मंगल ग्रह। अगला है, पृथ्वी से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का निम्न में से कौन सा क्रम सही है? ऑप्शन बी हो जाएगा। तो पहले देखिए शुक्र आएगा, फिर मंगल, फिर आएगा बुध, फिर आएगा बृहस्पति। अगला आपका क्वेश्चन है, आकार के अनुसार सौर मंडल के ग्रहों का अवरोही क्रम, अवरोही क्रम कौन सा होता है, बड़े से छोटे? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, सबसे बड़ा जो ग्रह हो जाएगा वो बृहस्पति, उसके बाद शनि आता है, फिर अरुण, वरुण, उसके बाद पृथ्वी, फिर शुक्र ग्रह, फिर मंगल एवं बुध। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सौर मंडल का भाग नहीं है? तो ऑप्शन डी, निहारिका। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, थोड़ा सा जूम करते हैं, तारामंडल क्या है? तो गाइस देखिए तारामंडल जो होता है, ऑप्शन बी, ऐसे तारों की आकाश में एक विशेष आकृति जो पृथ्वी से सम दूरस्थ नहीं हो सकते हैं। नेक्स्ट, अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं? इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, 89। निक्स ओलंपिया, कोलंपस पर्वत किस ग्रह पर स्थित है? ऑप्शन डी, मंगल ग्रह पर। नेक्स्ट, पार्थिव ग्रहों की संख्या कितनी है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी, 4। निम्नलिखित में से कौन एक पार्थिव ग्रह नहीं है? ऑप्शन डी हो जाएगा, शनि ग्रह। बाह्य ग्रह या बृहस्पति सदृश ग्रहों की संख्या कितनी है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी, 4। बृहस्पति सदृश ग्रहों में सम्मिलित नहीं है, तो गाइस ये हो जाएगा ऑप्शन डी, मंगल ग्रह। निम्नलिखित में से किन दो ग्रहों को छोड़कर शेष सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर बामावर्त घूमते हैं? ऑप्शन डी, शुक्र और अरुण ग्रह। और सौर मंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, सूर्य को। नेक्स्ट, ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा कहलाती है? ऑप्शन डी, अभिनव तारा। वैज्ञानिक जिन्होंने सर्वप्रथम खोज की कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है? तो ऑप्शन सी, कॉपरनिकस। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह नहीं है जिसे प्राचीन भारतीय ग्रह मानते थे? ये हो जाएगा ऑप्शन ए, सूर्य। सूर्य के संगठन में सहायक गैस कौन सी है? सभी को गैस पता होगा, ऑप्शन डी, हाइड्रोजन और हीलियम। सूर्य के मध्य भाग को क्या कहा जाता है? तो बीच वाले भाग को क्या कहते हैं? ऑप्शन बी, वर्णमंडल। और आपका अगला क्वेश्चन है, सूर्य के ऊपर के भाग को क्या कहा जाता है? ऑप्शन सी, वर्णमंडल। देखिए मध्य भाग को आपको क्या कहा था? ऑप्शन बी, ओके मैंने आपको गलत बताया था, वर्णमंडल। लेकिन 23वें का आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। सूर्य का जो मध्य भाग होता है उसको कहते हैं प्रकाश मंडल, और सूर्य के ऊपर के भाग को कहते हैं ऑप्शन सी, वर्णमंडल। ओके थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था लेकिन मैंने आपको बता दिया। अगला, सूर्य सदैव पूर्व में निकलता है, इसका कारण क्या होता है? इसका जो मेन रीज़न होता है आपको बता देता हूँ, ऑप्शन ए, पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। अगला है, नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है? ऑप्शन सी, 21 जून को।
अगला है, एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या कहा जाता है? तो गाइस इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, अपसौर कहा जाता है। एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से न्यूनतम दूरी को क्या कहा जाता है? इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, उपसौर कहा जाता है। निम्नलिखित में से किनके बीच की औसत दूरी को खगोलीय एकक कहा जाता है? ऑप्शन ए, पृथ्वी तथा सूर्य को। अगला है, मध्य रात्रि सूर्य का अर्थ क्या होता है? तो मध्य रात्रि सूर्य का जो अर्थ होता है, ऑप्शन डी, सूर्य का ध्रुवीय व्रत में देर तक चमकना। अगला है, मध्य रात्रि का सूर्य किस क्षेत्र में दिखाई देता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आर्कटिक क्षेत्र में। सूर्य में काला धब्बा क्या है? तो सूर्य में जो काला धब्बा होता है तो वो होता है ऑप्शन सी, धब्बे वे स्थान है जो प्रकाश उत्सर्जित करने में असमर्थ हैं। अगला है, सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना है? ऑप्शन ए, 71%। निम्नलिखित में से कौन एक तारा है? इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, सूर्य एक तारा है। सौर पृष्ठ पर लगभग कितना तापमान होता है? ऑप्शन सी, 6000 डिग्री सेल्सियस। सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरा कौन सा तत्व बहुतायत से पाया जाता है? ऑप्शन ए, हीलियम। सूर्य प्रकाश धरती तक पहुंचने में कितना मिनट लेता है? तो गाइस ये सभी को पता होगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, 8 मिनट, 8.3 मिनट का समय लेता है। सूर्य के सबसे पास कौन सा ग्रह है? तो ये सभी को पता होगा, ऑप्शन ए, बुध ग्रह। अगला है, बुध नक्षत्र में एक वर्ष में दिनों की संख्या कितनी होती है? सबसे कम होगी, तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी, 88। किस ग्रह में चंद्रमा की तरह कलाएं होती हैं? इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, बुध ग्रह। निम्नलिखित में से कौन से ग्रहों के चारों ओर घूमने वाले उपग्रह नहीं हैं? ऑप्शन बी, बुध तथा शुक्र। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में लगाता है? ऑप्शन ए, बुध ग्रह। सबसे तीव्र गति से सूर्य का चक्कर लगाने वाला ग्रह कौन सा है? ऑप्शन ए, बुध ग्रह। निम्नलिखित में से किस ग्रह की परिभ्रमण गति सबसे अधिक है? ऑप्शन ए, बुध ग्रह। निम्नलिखित में से किस ग्रह का अक्षीय झुकाव सबसे अधिक है? ऑप्शन बी, बुध ग्रह का। चंद्रमा के सदृश दिखाई देने वाला उपग्रह कौन सा है? कौन सा ग्रह है? अभी मैंने बताया था, ऑप्शन ए, बुध ग्रह। सौरमंडल का कौन सा ग्रह लगभग पृथ्वी जितना बड़ा है? ऑप्शन सी, शुक्र ग्रह। और अगला है, निम्नलिखित में से किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है? गाइस इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शुक्र ग्रह को। अगला है, किस ग्रह को शाम का तारा इवनिंग स्टार कहा जाता है? ऑप्शन बी, शुक्र ग्रह। और अगर पूछा जाए सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है, तो गाइस सबसे चमकीला ग्रह है ऑप्शन सी, शुक्र ग्रह। आपका अगला क्वेश्चन है, सूर्य तथा पृथ्वी के निकटतम ग्रह कौन से हैं? तो गाइस इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बुध तथा शुक्र। यूरोपवासी किस ग्रह की पूजा देवी के रूप में करते थे? ऑप्शन ए, शुक्र ग्रह। सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है? तो सर्वाधिक गर्म ग्रह जो हो जाएगा ऑप्शन सी, शुक्र ग्रह। पृथ्वी के सर्वाधिक निकट कौन सा ग्रह है? गाइस इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, शुक्र ग्रह। ये सबसे निकट ग्रह है पृथ्वी के। अगला आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक को भोर का तारा के नाम से जाना जाता है? इसका क्या होगा? ऑप्शन बी, शुक्र ग्रह। निम्नलिखित ग्रहों में से किसे सौंदर्य का देवता कहा जाता है? ऑप्शन बी, शुक्र ग्रह। और अगर पूछा जाए कि सुपरनोवा क्या है, तो सुपरनोवा जो होता है ऑप्शन डी, एक मृत प्राय तारा होता है, जो कि आपका क्वेश्चन आ चुका है। अगला आपका है, उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की थी? तो गाइस उत्तरी ध्रुव की खोज की थी ऑप्शन ए, रॉबर्ट पियरी ने।
और अगर पूछा जाए साउथ पोल पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था, ये था ऑप्शन डी एमंड सेन। पृथ्वी के सबसे निकटतम खगोलीय पिंड है, इसका होगा ऑप्शन डी चंद्रमा। पृथ्वी की आकृति सर्वोत्तम ढंग से किस शब्द से स्पष्ट की जा सकती है, ऑप्शन डी लच्छप गोलाप से। पृथ्वी सूर्य के परिता अपनी कक्षा में लगभग कितनी गति से चक्कर लगाती है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा 1 डिग्री प्रतिदिन। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी के परिभ्रमण की चाल क्या होगी, ऑप्शन बी अधिकतम होती है जब पृथ्वी सूर्य के निकटतम होती है। अगला है पृथ्वी के भ्रमण की गति क्या है, इसका हो जाएगा ऑप्शन ए 27 किलोमीटर प्रति मिनट। भूमध्य रेखा पर पृथ्वी का व्यास है लगभग, ऑप्शन सी 12,800 किलोमीटर। सूर्य की परिक्रमा के दौरान पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर किस महीने में होती है, ऑप्शन बी जुलाई महीने में। पृथ्वी की उपसौर स्थिति किस महीने में होती है, ऑप्शन बी जनवरी माह में। और आपका लास्ट क्वेश्चन है तारे पूर्व से पश्चिम में किस कारण ज़्यादा दिखते हैं, ऑप्शन डी पृथ्वी पश्चिम से पूर्व को घूम रही है इसलिए। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही, अगर आपको वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।